हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। तो गाइस देखिए, काफ़ी क्रिएटिव फोटो होने वाली है। तो गाइस, इसमें लाइट रूम रिटचिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। तो गाइस देखिए, हमारी पिक्सार्ट में ऐसी फोटो होगी और लाइट रूम में ऐसी होगी। तो गाइस, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। और गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड और PNG यूज हुए हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और गाइज, अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो गाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलना। तो गाइज चलिए, बिना देर के जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर हमने पिक्सार्ट में बैकग्राउंड ऐड कर लिया है। देन गाइज क्या करेंगे, हम सिंपली ऐड फोटो पर जाएंगे और यहाँ से गाइज एक लेंस फ्लेयर का PNG लेंगे, जो कि हमारा वाइट कलर को होगा। तो गाइज सिंपली हम उसको ऐड कर लेते हैं। तो गाइज, इसको ऐड करने के बाद से आपने इसको फुल स्क्रीन पर कर देना, अपने फुल बैकग्राउंड पर, और इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद से गाइज इसकी ओपिसिटी को कम करके आपने 50% रख लेनी है, यहाँ पर 53 में रख लेता हूँ। और उसके बाद से गाइज इसको हम डन करेंगे, और देन जाएंगे हम अपने ड्रॉ टूल में। तो गाइस, ड्रॉ टूल में जाने के बाद से हम सिंपली लेयर्स पे जाएंगे, और यहाँ से जाएंगे हम ऐड फोटो पे। और गाइस यहाँ पर अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस, इसके बैकग्राउंड को मैंने पहले से इरेज कर रखा है। तो अगर आपने बैकग्राउंड इरेज करना नहीं है तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो को देख सकते हो। वैसे तो गाइस सबको बैकग्राउंड इरेज करना अब तक आ गया होगा। तो यहाँ पर हम सिंपली इसको ऐड कर लेते हैं। गाइज, इसको ऐड करने के बाद से सिंपली हम थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। और बड़ा करने के बाद इसको अपने मिडल में लगा लेना है बैकग्राउंड के, और टैप कर देना है। तो अब उसके बाद हम सिंपली लेयर्स पे जाएंगे, और ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा हम इसे सीधा कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम डन करेंगे, और एक और एम्प्टी लेयर बनाएंगे गाइज हम, और ऐड फोटो पर जाएंगे। और यहाँ से गाइस एक PNG दूंगा विंग वाली, उसको ऐड कर लेना है। तो देखिए, ये हमारी PNG है। तो इसको ऐड करने के बाद से सिंपली देखिए, आपको उसको कोने में ले जाना है, और सिंपली अपने बैकग्राउंड के साइज़ को इससे कर लेना है। तो देखिए गाइस, ये हमारा बैकग्राउंड का साइज का हो जाएगा। उसको होने के बाद से आपको सिंपली इसको टैप कर देना है, और फिर इसको गाइस ट्रांसफॉर्म करके नीचे ले आना है। तो गाइस पहले हम इसको नीचे कर देते हैं अपने लेयर को, और फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब इसको हम नीचे हल्का सा कर लेंगे, आपने अपने हिसाब से कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो चुका है। तो गाइस एक और हम टी लेयर बनाते हैं, और एक और PNG मिलेगी आपको, उसको ऐड कर लेना है। तो ये रही हमारी PNG। तो गाइस हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद गाइस इसको टैप कर देंगे, और गाइज सिंपली इसके ब्लेंडिंग मोड को हम स्क्रीन रख देंगे। तो गाइज यहाँ पर स्क्रीन करने के बाद से आपने जाना है इरेजर में। तो यहाँ पर गाइज हम इरेजर सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद से गाइज देखिए, हमारा जो बॉडी के ऊपर आ रहा है उसको हम इरेज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ी फास्ट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, हमारा ये ऊपर वाला इरेज हो चुका है। तो अब हम सिंपली मॉडल वाले लेयर पे जाएंगे, और इसका जो नीचे का पार्ट आ रहा है नीचे की तरफ, तो उसको गाइस हम इरेज कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपने सही से एकदम इरेज कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस मैंने इरेज कर लिया इसको भी, और उसके बाद से गाइस हम यहाँ से इसको डन करेंगे अब अपने ड्रॉ टूल से, क्योंकि हमारे गाइस ड्रॉ टूल का काम हो चुका है सारा। तो यहाँ से हम इसको डन करेंगे, और इसको हम डिस्कार्ड करते हैं। और उसके बाद से गाइस जाएंगे हम ऐड फोटो पे, और यहाँ जाने के बाद से एक टेक्स्ट PNG लेते हैं, आपको इसको ऐड कर लेना है। और उसके बाद से लेफ्ट साइड में इसको ऐड करने के बाद से हम सिंपली इसको डन कर देंगे, और फिर गाइस जाएंगे अपने ड्रॉ टूल में, और यहाँ से गाइस फोटो सेव कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर लाइट रूम में फोटो ऐड कर लिया है। देन गाइस सिंपली हम कंट्रास्ट को कर देंगे -23, ठीक है, और शैडो को रख देंगे 11 और 12 के आसपास, और ब्लैक्स को -10, ठीक है। और यहाँ पर कलर्स पे हमने ध्यान देना है, यहाँ पर कलर्स को रखना है -12 और 13, ठीक है। और उसके बाद से नेक्स्ट टूल पे जाना है आपने,
यहाँ पर गाइस जाना है, क्लियरिटी को आप रखना है 10% और इसमें विगनेट को रख देना है माइनस के 12, ठीक है। और उसके बाद गाइस इसमें नॉइस रिडक्शन को इंक्रीज कर देना है आपने। तो गाइस देखिए अब हमारी फ़ोटो कंप्लीट हो चुकी है बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस कमेंट करो, जरूर बताना गाइस वीडियो कैसी लगी। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।